हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग खैर ऑफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है सुहेल और आप मुझे देख रहे हैं ट्रैवल अकॉर्ड चैनल के ऊपर। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी एक नई ट्रैवल सीरीज़ सऊदी अरेबिया का जो ईस्टर्न प्रोविंस है, शर्किया जिसको बोलते हैं, वहाँ हम जा रहे हैं। अभी रास्ते में यहाँ रुक के हमने कोई फ्यूल वगैरह लिया और रियाद से हम निकले थे तकरीबन 2 घंटे पहले। अभी चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने सफ़र को और बाकी सफ़र के दौरान आपसे बाकी चीज़ें भी शेयर करते हैं। ईस्टर्न प्रोविंस में यानी शर्किया जो सऊदी अरेबिया का इलाका है, उसमें काफ़ी टूरिस्टिक प्लेसेस हैं जिनको हम विज़िट करेंगे। जैसे चैनल पे आपने पहले भी वीडियोस देखी होंगी दमाम की और इस तरह जुबेल की, कुछ सी फ्रंट्स वगैरह की। तो अभी भी हम कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ जाएँ, जो जो एरिया एक्सप्लोर करें, या दमाम सिटी या खुबर या जो भी एक्टिविटी हो, वो आपके साथ उसको हम शेयर करेंगे। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको सारी जो वीडियोस हैं वो मिलती रहें। आप मेरे चैनल पे मेरे पाकिस्तान ट्रैवल की जो वीडियोस हैं वो देख रहे होंगे और उनको लाइक करने का और अप्रिशिएट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ईस्टर्न रीजन का कैपिटल और यहाँ का 5वां बड़ा शहर है। ये अपनी डिफरेंट और ख़ूबसूरत बीचेस की वजह से बहुत फेमस है। और गाइज, अभी हम शारे अव्वल यानी फर्स्ट स्ट्रीट के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। इसको फूड स्ट्रीट भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सारे मेजर फूड चेन्स, कैफ़े और रेस्टोरेंट्स वगैरह मौजूद हैं। और यही जो रोड है ये आगे कॉर्निश तक भी जाती है। जी, ये होटल रूम में पहुंच गए हैं और ये सामने होटल रूम है। ये कबर्ड है पूरी इस तरह से, और इससे आगे आए हैं तो ये वॉशरूम है। भी नाइस है, क्लीन है और इसी तरह सामने है इसका बेडरूम। ये भी काफ़ी स्पेशियस है, साफ़ सुथरा है। और जैसे ये थोड़ी सी चाय का सामान, पानी वगैरह, डाइनिंग एरिया, और ये यहाँ से बेडरूम का पूरा व्यू। ये होटल रूम हमें मिला है ऑलमोस्ट 250 रियाल पर नाइट पे। काफ़ी इजी एक्सेस है, मेन के ऊपर है और जितने भी यहाँ से सिटी सेंटर और बाकी कॉर्निश वगैरह यहाँ से बड़ा इजीली एक्सेसिबल है। ये था होटल का रूम टूर और अभी थोड़ी देर में रेस्ट करते हैं, चेंज वगैरह करते हैं और फिर चलते हैं बाहर और फिर जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जी गाइज, अभी हम दमाम कॉर्निश की तरफ जा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि हम सी के साथ साथ ही इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी कॉर्निश के ऊपर मेजर पॉइंट्स हैं उन सबको कवर किया जाए और आपके साथ भी उनको शेयर किया जाए।
जी हम दमाम पहुंच चुके हैं और आपने रास्ते में हमारा सफ़र और जर्नी देखा रियाज से दमाम का, और अभी हम इस वक्त हैं यहाँ कॉर्निश पे। आप ये देख सकते हैं पीछे सी, और इस तरफ ये कॉर्निश का पार्क है। यहाँ लोग आते हैं वॉक के लिए, पिकनिक के लिए। आजकल मौसम कदरे बेहतर है, स्टिल इट्स वेरी ह्यूमिड, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है अभी भी, टेम्परेचर इतना हाई नहीं है, यानी आप काबिले बर्दाश्त कह सकते हैं इसको। हाँ जी, रियाज में रहने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, जैसे कोई लॉन्ग वीकेंड या छुट्टियाँ ईद की या जैसे वेकेशन आती हैं तो लोगों की ज़्यादातर कोशिश होती है कि या तो मक्का मदीना की तरफ जाएं और या फिर शर्किया की तरफ आएं, जहाँ पे सी फ्रंट है और काफ़ी खूबसूरत बीचेज़ हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को भी लाइक करें, वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये थी हमारी आज की वीडियो, और कल हम इंशाल्लाह जाएंगे बनाना बीच जुबेल, जहाँ पे बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ हैं। वो सब और इसी तरह इंटरेस्टिंग ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।